हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अडानी ग्रुप का एक शेयर है जिससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। हम जानेंगे कि उस शेयर की पोटेंशियल कितनी है और उस शेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डील होती हुई हमें नज़र आई है, जो कि फ्यूचर में एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएगी। और बात की जाए तो ये शेयर भी अडानी ग्रुप के ऑलरेडी 6 शेयर मार्केट में, 5 से 6 शेयर लिस्टेड है। तो ये शेयर अगर बात की जाए फ्यूचर में अच्छा खासा रिजल्ट हमें पेश करता हुआ नज़र आएगा। ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आया है, बट और भी देता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इससे और बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो अपनी इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा से जो भी आप दान देना चाहें तो दान दे सकते हैं। एज वेल एज एक और लिंक है, आप फ्री में आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो डाली है डॉक्टर रेड्डी लैब, और एक और शेयर है पैनाशिया बायोटेक। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना, और स्पुतनिक से रिलेटेड एक स्पुतनिक एक रशिया की वैक्सीन है उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका जो रिटर्न्स का प्रोफाइल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वन डे में आज के दिन लगभग 10% की गिरावट दिखी है। बल्कि और बात की जाए, ये जो जितनी भी गिरावट हो रही है ना, प्रॉफिट बुकिंग है। और आपको बताना चाहता हूँ शेयर में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी बहुत कमी है उससे लिटरली बातें करेंगे। तो और बात की जाए लॉन्ग टर्म में ये शेयर धूम मचाने वाला है जिस तरीके की इसने डील्स करी है और कर रखी है। और बात की जाए यहाँ पर और भी चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि इसके रिटर्न्स 1 वीक में पॉजिटिव है, 1 मंथ में पॉजिटिव है, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 107% के रिटर्न्स है, 1 साल की बात करें तो 200% के रिटर्न्स है, 5 साल की बात करें तो 219, और 10 साल की बात करें तो 408% के रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए नज़र रहा है। तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी ने पेश किए हैं। और बात करें कि शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, बट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलमार्ट क्या है। वॉलमार्ट दुनिया की कह सकते हैं बहुत बड़ी एक चेन है, या फिर क्या बात की जाए यूएस में बहुत बड़े इनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं और मल्टी बिलियनियर पर्संस है ये। तो बात की जाए यहाँ पर फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट ने ही ले रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलमार्ट टू बिल्ड मैसिव इंडिया वेयर हाउस विद बिलियनियर गौतम अडानी। तो गौतम अडानी साहब आप पता ही है, गौतम अडानी हमारे इंडिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। तो इनके साथ इनका टाइप हुआ है, या फिर बात की जाए एक डील हुई है कि वॉलमार्ट ने कहा है कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस हमारे लिए तैयार करिए, और अडानी ग्रुप उसे तैयार करने वाला है। और अडानी ग्रुप का कौन सा शेयर है जो तैयार करने वाला है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस साइंड अप पैक्ट विद टाइकोन गौतम अडानी टू हेल्प सेट वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब एंड अ डेटा सेंटर। तो ये हब ही नहीं बन रहा है लार्जेस्ट, जहाँ पर इनका सामान रखा जाएगा, एज वेल एज बात की जाए डेटा सेंटर भी यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, जिसका साइज अगर बात की जाए वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा अगर कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको अमेजोन और रिलायंस दिखाई देते हैं, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट इंडिया में है जो कि ओन बाई किसके है, वॉलमार्ट के। तो इसलिए ये शेयर भागता हुआ हमें नजर आएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं कि एक जो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 100 अगर कितने फीट का यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, तो 5,34,000 स्क्वेयर फीट का यहाँ पर ये मुंबई में यहाँ पर ये हब खोला जाएगा इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक हब। अगर बात की जाए यहाँ पर 11 फुटबॉल के जो फील्ड होते हैं ना, जो फुटबॉल के मैदान होते हैं उसकी साइज़ के बराबर यहाँ पर इतना बड़ा तो इसका साइज़ रहेगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर किस शेयर को फ़ायदा होगा, तो इस न्यूज़ का जो फ़ायदा होगा, तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अडानी कॉनेक्स के नाम से फैसिलिटी है जो चेन्नई में है ऑलरेडी ई कॉमर्स में, जहाँ पर डेटा रखा जाता है। तो इसका फायदा तो अडानी इंटरप्राइज को होगा, बट जिस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अडानी का जिस शेयर को इसमें फायदा होता हुआ नजर आएगा वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। यहाँ पर अगर बात की जाए 750 रुपये का शेयर चल रहा है, 10% के लगभग 9% के लगभग यहाँ पर गिरावट दिखाई गई है। तो अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स पेश करें आपको, और इसी और ये पोर्ट या फिर कोई हब वगैरह बनाने की जो जो भी बनाता है
है तो ये केवल यही इस कंपनी के अंडर आएगा अडानी के, तो ये फ्यूचर में बात की जाए तो ये कब एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा, तो ये थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मतलब बात की जाए 2022 दिसंबर की। तो यहाँ पर जो इस शेयर को फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, और ये शेयर जितना गिरता हुआ आपको मिलता है इसे डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा बनाना, ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा और ना ही ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसके और भी प्रोज एंड कॉन्स है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, ओके अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है यहाँ पर, बट गिरावट भी अगर देखें तो यहाँ पर एक गिरावट है अच्छी खासी, ओके बीच बीच में गिरावट है, इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन गिरावट है, इधर से बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, इधर की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, बट इसके बाद ये साल इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न इसने पेश करे है। आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 247 रुपये का 9 अप्रैल को शेयर था, 885 का 7 अप्रैल को, आज से 4-5 दिन पहले शेयर हुआ करता था। अगर बात करें 13-14% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई, लगभग 34 लाख शेयर इसी न्यूज के चलते। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 63% के यहाँ पर शेयर प्रमोटर्स के पास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी देती हुई हमें नजर आती है। यहाँ पर अगर शेयर की गिरवी की बात करें 63% के शेयर गौतम अडानी साहब के पास है, ग्रुप के पास है, अगर बात करें उसमें से 38% के शेयर यहाँ पर गिरवी रखते हुए हमें नजर आए हैं, तो इसलिए इनके जो प्लेजिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि इस तरीके की जब प्लेजिंग होती है ना तो उसमें हमें डर रहना चाहिए। आप मार्केट कैपिटल देख लीजिए, 1,67,335 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है, और 25% से ज़्यादा की प्लेजिंग हानिकारक हमेशा बताई जाती है, बट अडानी ग्रुप का शेयर है कुछ भी पल में माशा पल में तौबा की तरह यहाँ पर भागता हुआ नजर आता है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा डेट भी है, ओके, और बात करें कंपनी का शेयर प्राइस तो ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर और भी कुछ देख लेते हैं, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं क्वार्टरली वाइज, तो देखिए क्वार्टरली वाइज रिजल्ट भी कुछ खास नहीं है, बस इसी रेंज में चलते हुए नज़र आए हैं, ओके, बल्कि घटते हुए नज़र आए हैं। और बात करें कंसिस्टेंसी नहीं है कि क्योंकि एक कंसिस्टेंसी मीन्स इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसी, मतलब आज 5 रुपये कमाए, अगले दिन 6 रुपये कमाए, फिर 7 रुपये कमाए, फिर 8 रुपये कमाए, इस तरीके का अगर कुछ परफॉर्मेंस रहता तो अच्छा खासा आपको गेन मिलता हुआ नज़र आता। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम इसी इर्द गिर्द में पड़ रहा है, बट अगर बात करें यहां पर पिछले तीन चार क्वार्टर की तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें अगर ईयरली बेस पे, यहां पर आप देख सकते हैं ईयरली बेस पे 701 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहां पर मार्च 2018 में था, जो कि अभी 3 करोड़ रुपए के आसपास का यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ईयरली बेस पे भी बात करें तो ईयरली बेस पे भी यहां पर आप देख सकते हैं 1135 करोड़ रुपए का 2009, आज से 11 साल पहले यहां पर सेल्स थी, जो कि अभी केवल 4370 करोड़ की सेल्स है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें 461 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 2000 करोड़ के प्रॉफिट में बढ़ता हुआ, तो शेयर जैसे ऊपर नीचे होता है ना, इसी तरीके से इसका प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना एज वेल एज प्लेजिंग परसेंटेज। और अगर बात करें रिजर्व तो 20,000 करोड़ के रिजर्व है, बट उसमें अगर बात करें 34,000 करोड़ के यहाँ पर बोरिंग भी है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके, ये सेप्टेम्बर के डेटा के अनुसार है। और अगर बात करें यहां पर ये यहां पर हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर इंटरेस्ट देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर और भी बढ़ता हुआ इंटरेस्ट नज़र आया है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो बोरोइंग है इन्होंने अपनी बोरोइंग और इंक्रीज़ करी है दिसंबर क्वार्टर में, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बट लॉन्ग टर्म के थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अगर रिस्क की अगर कोई लेना चाहता है तो इसमें रिस्क ले सकता है, शेयर में अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा, और अगर आपको ये शेयर ने दगाबाजी करी तो फिर आपको पता ही है आपको लॉस भी होता हुआ नज़र आएगा। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, 63% की होल्डिंग है, जिसमें से आपको बता दिया 38% की यहाँ पर प्लेजिंग है। FII 17% की होल्डिंग रखते हैं, DIS 15% की, गवर्नमेंट की बात करें तो 0.08% की, पब्लिक के पास 2.76% की होल्डिंग है, ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, बट अगर बात करें यहाँ पर अच्छे खासे होल्डिंग FIIs DIIs प्रमोटर ने ले रखी है, और जब तक FIIs इसमें एंट्री किए हुए हैं तब तक शायद शेयर में डरने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर शेयर अच्छा खासा भागता हुआ भी हमें नज़र आया है। और यहाँ पर एक न्यूज़ है जो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई है, तो अच्छा खासा शेयर फ्यूचर में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हुआ नज़र आएगा, बट ये लॉन्ग टर्म प्लान है और लॉन्ग टर्म में ही एग्जीक्यूट करता हुआ नज़र आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर
करिएगा, और कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर, हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।